नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन टीव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको मधुमनी ग्रैनुल्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये जो मधुमनी ग्रैनुल्स मार्केट में आते हैं, ये डॉक्टर जुनेजा ने बनाया हुआ प्रोडक्ट है और ये डिविजा कंपनी का आता है। इट इज़ अ डिविजन ऑफ SBS बायोटिक। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है दोस्तों मधुमनी ग्रैनुल्स। ये 100 ग्राम का पैकिंग है, इस पे 25 ग्राम आपको एक्स्ट्रा दिया है, यानी 125 ग्राम 125 ग्राम का ये पूरा डब्बा आता है, जिसकी कीमत रहती है 148 रुपीज़, यानी 148 रुपये। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेंगे, ये दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफ़ेक्ट क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। दोस्तों ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में या फिर आयुर्वेदिक स्टोर में आपको मिल जाएगी। तो इसके यूजेस के बारे में देखेंगे क्या चीज़ के लिए चलती है। दोस्तों ये जो मधुमनी ग्रैनुल्स मार्केट में आते हैं, ये आपकी जो डायबिटीज़ की तकलीफ है उससे छुटकारा पाने के लिए दवा बनाई गई है। दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो डायबिटीज़ की तकलीफ है उससे छुटकारा पाने के लिए कोई आयुर्वेदिक इलाज, आयुर्वेदिक दवा बताइए। तो दोस्तों बहुत बढ़िया दवा ये लाई है कंपनी मधुमनी, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड है, बहुत लोगों ने आजमाया है और बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया है। तो दोस्तों ये जो मधुमनी ग्रैनुल्स मार्केट में आते हैं, इसके कंटेंट देखेंगे क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाला है। दोस्तों इसके अंदर जो कंटेंट है आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों गुड़नार, जामुन, विजया सारा, करेला, मेथी, बेहड़ा, सौफ, अश्वगंध, हरड़, सप्तरंगा, आंवला, देवदार, बेल, कलिंजा, इंदरजाव, जरूल, दारू हल्दी, नीम, गिलोय, शुद्ध शिलाजीत। तो टोटली आयुर्वेदिक हर्ब से, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बना दवा है दोस्तों, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। दोस्तों टोटली जो डायबिटीज़ की तकलीफ है, जो आपको मधुमेह की तकलीफ है, शक्कर की बीमारी है, उसके लिए जो जो आयुर्वेदिक हर्ब चलते हैं, जो जो आयुर्वेदिक हर्ब से उससे छुटकारा पाया जा सकता है, उसको इलाज किया जाता है, तो टोटली आयुर्वेदिक हर्ब इसके अंदर डाला है दोस्तों कंपनी ने, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन किया है। दोस्तों इसको लेने का तरीका आपको बेहतर बताता हूँ, कैसा लेना चाहिए, इसको यूज़ कैसा करना है। दोस्तों 1 से 2 चम्मच यानी 3 से 6 ग्राम दिन में 2 बार पानी के साथ भोजन से पहले, आपको भोजन से आधा घंटा पहले इसको लेना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसके बाद उसमें 1 से 2 चम्मच दवा डालनी है और उसको स्टर करके इसको लेना है खाना खाने से पहले, यानी भोजन से पहले, तो बहुत अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं डायबिटीज़ से छुटकारा पाने के लिए या फिर उससे जो तकलीफ होती है उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक इलाज बताइए। तो दोस्तों उन सारे लोगों से मेरी विनती है, आप एक बार इसको आजमाइए, इसको लीजिए, आपके जो प्रॉब्लम है, आपके जो डायबिटीज़ की तकलीफ है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो धीरे 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 सब प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे ग्रैनुल्स लेने से। दोस्तों यहाँ लिखा है देखो, जामुन, करेला, गुड़ीमार आदि जड़ी बूटियों से निर्मित, तो बढ़िया कॉम्बिनेशन है, आप एक बार आजमाइए, लीजिए, आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। दोस्तों ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।